रिजोल्यूशंस है, रिजोल्यूशंस और पर्पस ऑफ मीटिंग, जो मीटिंग्स हम रख रहे हैं उसका मेन एम होता है एक डिसीजन पे आना। कौन से डिसीजन, जो भी मैटर्स करते हैं कंपनी के, एवरीडे बिजनेस हो या कोई स्पेशल बिजनेस हो, वॉट एवर जो भी उसके कंसर्न मैटर्स हैं या इश्यूज हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए मीटिंग की गई है। तो जब उस पे क्या होता है, हमको एक डिसीजन पे आना है, तो हम उस डिसीजन पे कैसे आएंगे, कुछ प्रपोजल्स रखेंगे शेयर होल्डर्स के सामने, कुछ मोशंस रखेंगे, इट मींस जो भी बिजनेस है हम उनके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो उनके सामने जो वो पर्टिकुलर मैटर या इश्यूज जब हम प्रेजेंट करेंगे, तो उसको बोल रही हूँ मैं प्रपोजल। और उसके रिगार्डिंग जितने मेंबर्स वहाँ प्रेजेंट हैं वो डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, आफ्टर दैट सब अपनी राय देंगे। तो जहाँ पे मेजॉरिटी जाएगी उसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, तो जहाँ पे ज़्यादा मेजॉरिटी गई जिसको ज़्यादा वोट मिले उस मैटर को हम क्या करते हैं, फाइनल समझते हैं और वही डिसीजन लिया जाता है, तो उसको हम बोलेंगे रिजोल्यूशन। समझ में आया, ये टेक्निकल मीनिंग है रिजोल्यूशन। इन शॉर्ट उसका मतलब क्या है बेसिक सेंस में, कि किसी डिसीजन पे अराइव करना सब मिलके, सिंपल। आया समझ में रिजोल्यूशन? यस मैम। देखो, अरे सिर्फ एक यस मैडम, बाकी कहाँ है, नहीं आ रहे क्या समझ में? यस मैम, आ गया। आया? आर हितैषी, आस्था, आयुषी, हर्ष, नम्रता, रवि, नहीं आ रहा तो यहीं पूछ लो। मैम आ गया। क्लियर है ना? ठीक है, अब देखो रिजोल्यूशन थ्री टाइप्स के पढ़ेंगे अपन। काइंड्स ऑफ रिजोल्यूशन है, थ्री टाइप्स के अपन पढ़ेंगे। पहला ऑर्डिनरी, दूसरा स्पेशल, और तीसरा पढ़ेंगे अपन दोज रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ठीक है, तो पहला थ्री टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन कर रहे हैं अपन। पहला ऑर्डिनरी करूंगी मैं, एक सेकेंड। स्पेशल रिजोल्यूशन और तीसरे में दोज रिजोल्यूशंस रिक्वायर स्पेशल नोटिस। फर्स्ट ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, तो हमको क्या करना है, अब लिस्ट पढ़नी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिसमें ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से काम चलेगा, या कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिसमें स्पेशल रिजोल्यूशन से काम करे चलेगा। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अब बिजनेस जो ट्रांजेक्ट होगा, मतलब किस टाइप के डिसीजन के लिए किस टाइप का रिजोल्यूशन, बिजनेस ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करता है। अब इसमें एक न्यू चीज देख, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का मतलब है जितने मेंबर्स उस एट अ पॉइंट मीटिंग में प्रेजेंट हैं और मेजॉरिटी पे आ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टोटल स्ट्रेंथ कितना है। फर्क यहाँ पे इससे पड़ेगा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में, कि कितने पर्संस या कितने मेंबर्स एट अ टाइम मीटिंग में प्रेजेंट हैं और उन्होंने एक मैटर उनके सामने रखा और उन्होंने मेजॉरिटी करके वोट दिया, तो वो हो गया ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। क्लियर है इसकी मीनिंग में? यस मैम। अब देखो कौन कौन से मैटर्स के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगेगा। एक अनलिमिटेड कंपनी, जिसका शेयर कैपिटल वो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है लिमिटेड कंपनी में,
सॉरी एक सेकेंड, इसमें प्रॉब्लम है. चाहे ये अनलिमिटेड कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है या लिमिटेड कंपनी, दोनों में से कोई भी, उन दोनों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे. मतलब लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी की बात कर रही हूँ मैं. तो इसमें ये लोग क्या मैटर डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कैपिटल का नॉमिनल अमाउंट इंक्रीज करना है. इंक्रीज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल. नॉमिनल अमाउंट क्या है शेयर कैपिटल का, कोई बता सकते हैं? सपोज अगर एक शेयर 100 वाला है तो कंपनी उसको बढ़ा के 120 का करना चाहती हो. नेक्स्ट इसमें क्या करेगी, या अगर उसको अनकॉल्ड कॉल करवाएगी. मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को क्लास में कि कंपनी एक साथ पैसे नहीं मंगवाती है, इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाती है. तो अपना जो उसने शेयर कैपिटल मंगवाना है तो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल के लिए, तो ऐसे चीज के लिए भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन. सेकेंड पॉइंट है इसमें, कंपनी को डिपॉजिट्स चाहिए अपने मेंबर्स से, डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स, एक्स्ट्रा मनी चाहिए. तो उसके लिए भी एक सिंपल रिजोल्यूशन पास करके वो पैसे उनसे ले सकती है. या अगर कंपनी में अपॉइंटमेंट हो रहा है किसका, ऑडिटर्स का, तो ऐसी चीजों के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगेगा. फोर्थ में अगर उनका रेम्यूनरेशन डिसाइड करना हो, किसका, ऑडिटर्स का रेम्यूनरेशन अगर उसको डिसाइड करना हो, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स. नेक्स्ट अगर कंपनी को अपॉइंटमेंट करना है किसी का, सपोज डायरेक्टर्स का, तो या फिर डायरेक्टर्स को हटाना हो, मतलब रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, तो ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो डेली उसके होंगे. तो रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स भी कर सकती है कंपनी, या एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी करना हो तो अपॉइंटमेंट, मतलब एक्स्ट्रा 10 है दो और चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर्स, या ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स चाहिए, या फिर क्या चाहिए उसको, नॉमिनेट डायरेक्टर चाहिए, अल्टरनेट चाहिए, या फिर उसको नॉमिनी चाहिए, नॉमिनी डायरेक्टर, या डायरेक्टर्स को हटाना हो, या फिर कंपनी को परमिशन चाहिए फॉर द चैरिटी. अगर चैरिटी करनी है कंपनी को तो सबसे परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि सारे पर्सन, सारे शेयर होल्डर्स का ही पैसा इन्वॉल्व है. तो हाउ, मतलब हम कैसे चैरिटी कर सकते हैं. या अगर हमको कंपनी में एमडी अपॉइंट करना हो, या एमडी को रेम्यूनरेशन में चेंजेस करना हो, या उसको पार्ट टाइम से होल टाइम में लेके आना है, कुछ भी. तो ये वाला जो नेचर है ट्रांजेक्शन बिजनेस का, तो ऐसे चीजों के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन का रिक्वायरमेंट रहेगा. सेकेंड रहेगा अब स्पेशल रिजोल्यूशन, कि स्पेशल रिजोल्यूशन में किस टाइप की चीजें डिस्कस होंगी. ये लिस्ट याद होनी चाहिए पूरी, एग्जाम में आपको कट टू कट पूरी लिस्ट उतारनी है. स्पेशल ट्रांजेक्शन में क्या होगा, जैसे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में क्या हो रहा था, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए थी, लेकिन स्पेशल रिजोल्यूशन में हमको ऑर्डिनरी या सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए. इसमें हमको पूरे क्लास, सपोज जितना भी स्ट्रेंथ है उसकी मेजॉरिटी चाहिए. तो ऐसे रिजोल्यूशंस को बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशंस. क्लियर है? या फिर एक वर्ड बताया था मैंने, 3/4 मेंबर्स, किसी को याद होगा शायद, मेंबर्स, या फिर और 75%. क्लियर है? 3/4 और 75%. देखो सपोज अगर हम रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी ही चेंज कर लें, चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, मतलब अगर हम सिटी ही शिफ्ट कर रहे हैं, सपोज कोई भी बैंक होगी
एग्जाम्पल ले लो बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा, उसका मेन ब्रांच होगा मुंबई या चेन्नई या बैंगलोर कहीं पे भी, और अगर सडनली उसका मेन ब्रांच चेंज हो जा रहा है, मेन ब्रांच चेंज होना बहुत बड़ी बात होती है, जहां से समझो वो सेंटर पोजीशन है जहां से काम चल रहा है, तो सपोज अगर ऐसी चीज चेंज होगी तो सबका परमिशन रिक्वायर्ड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमडीज और ये सब उस शेयर में होना भी चाहिए, क्योंकि उनको डेली बिजनेस ट्रांजेक्ट करना रहता है, तो कोई छोटी बात नहीं होती है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी को चेंज करना, इसलिए स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर होता है। दूसरा, अगर हम अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर कर रहे हैं, तो मैंने अल्टरेशन के टाइम भी बताया था कि स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है मेमोरेंडम को ऑल्टरेशन करने के लिए। फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी ऑल्टर करने के लिए भी चाहिए रहता है। अगर हम प्रोस्पेक्टस जो शुरू में इशू हुआ था प्रमोटर्स के बीच में, अगर हम उसमें भी कुछ चेंजेस करना चाहें तो भी स्पेशल रिजोल्यूशन, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस ही कंपनी की नींव होती है, जहाँ से प्रमोटर्स को आइडिया आता है, या फिर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हमको चेंज करना है, वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर शेयर होल्डर्स हैं जो उनके राइट्स में अगर हमको कुछ चेंजेस करने हैं, या फिर हमको शेयर कैपिटल कम करनी है कंपनी की। शेयर कैपिटल कम करना बहुत बड़ी बात होती है। सपोज एक कंपनी की शेयर थी 30 लाख रुपए, अब वो उसको कन्वर्ट करना चाहता है 25 लाख में, तो शेयर होल्डर्स के तो पैसे गए ना 5 लाख रुपए। तो दूसरी चीज है इसमें बायबैक ऑफ कंपनीज शेयर्स, अगर हम कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हैं या कोई दूसरी कैपिटल या फिर अदर सिक्योरिटीज, अगर हम कोई लोन या गारंटी ये ऊपर वाला क्लियर करूं, प्रायर अप्रूवल ऑफ एनी लोन और गारंटी की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए भी हमको स्पेशल रिजोल्यूशंस चाहिए। क्लियर हो रहा है पॉइंट्स की डाउट है? या ऐसे पर्सन का अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स या एमडीज में जो 21 इयर्स से कम का हो, लेस then of 21 years of age, या फिर 70 above हो, बताओ कोई doubt है क्या? No ma'am. Clear है ना? या फिर NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोलती है कि कंपनी बंद करो, वाउंड अप करो, उसको कुछ भी गड़बड़ी लगती है तो ऐसे करके कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे स्पेशल रिजोल्यूशंस लगता है कंपनी। दूसरा है रिजोल्यूशंस, थर्ड पॉइंट रिजोल्यूशंस रिक्वायर स्पेशल नोटिस। देखो ये ना कोई रिजोल्यूशन इस टाइप का होता नहीं है, ऑर्डिनरी और स्पेशल ही होते हैं, ये बेसिकली ना दोनों का मिक्सचर है, दोनों में ही हम अपन नोटिस देते हैं।
तो इसमें ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, इसमें भी नोटिस क्या रहेगा? हम जो भी बिजनेस ट्रांजेक्ट करते हैं वो तो हम ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड में दोनों देते हैं, तो इसमें किस टाइप का नोटिस स्पेशली कौन सा? तो इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान देनी है, जो कंपनी के मेंबर्स हैं और जिनके पास कम से कम 1% भी वोटिंग राइट है, कितना? 1% का वोटिंग राइट। सपोज कंपनी की शेयर कैपिटल है 15 लाख की, तो 15 लाख का 1% कितना हुआ बताओ? बताओ कहाँ गए? मैम 1500,15,000। हाँ 1500, सोचो सोचो, 10% मैम तो 15,000, मैम 15,000, 100 15,000 नहीं। है ना? तो समझो अगर उसके पास कंपनी के 15,000 के शेयर्स हैं, जरूरी नहीं है ना, एक शेयर समझो, मैंने लास्ट में भी बताया कि 100 रुपए का है सपोज एक शेयर, तो जरूरी नहीं है कि सब 1% शेयर खरीदें, कोई 5,000 के खरीदेगा, कोई 10,000 के खरीदेगा शेयर्स, है ना, वो डिपेंड करता है। तो जिसके पास कम से कम 1% शेयर्स हैं कंपनी के, या फिर जिसके पास कम से कम 5 लाख के शेयर्स हैं, कितने? 5 लाख के शेयर्स, 1% शेयर्स हैं या जिसके पास कंपनी के, यानी 1% का वोटिंग राइट, याद रखना 1% वोटिंग राइट, या फिर 5 लाख, जो ऐसे हैं, तो ऐसे जो पर्संस हैं, ऐसे मेंबर्स को देना बहुत जरूरी है। आया समझ में? मैम नहीं आया समझ में। नहीं आया? देखो कुछ नहीं है इसमें, बस इसमें ये है कि जो जिसके पास कंपनी का 1% से ज्यादा का वोटिंग राइट्स है ना, या जिसने कंपनी में 5 लाख से ज्यादा वो किया है, क्या किया, इन्वेस्ट किया है, उसको हमको एज अ वीआईपी ट्रीट करना है और उसको हर चीज का इंटीमेशन देना है, सिंपल। आया समझ में? कट टू कट। यस मैम। दम ऐसे ही समझते हो तुम लोग। और पूछो कोई डाउट। देखो अब इसमें ना कौन सा किस टाइप का बिजनेस ट्रांजेक्ट होता होगा, अगर डायरेक्टर्स को रिमूव करना है या अपॉइंट करना है, ठीक है, तो डायरेक्टर तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से भी हट सकता है कि नहीं हट सकता, ये तो मैंने बताया था ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में, है ना, या फिर ऑडिटर को अपॉइंट करना है, या ऑडिटर को रिटायर करना है, या रीअपॉइंट करना है, या उसका जो टर्म है 5 साल का उसको 10 साल में कन्वर्ट करना है। तो जो बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस में या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में जो ट्रांजेक्शंस होते थे, उन्हीं को अगर कंपनी के आर्टिकल्स में उसने मेंशन किया है या मेमोरेंडम में उसने मेंशन किया है कि जिस पर्सन के पास कंपनी के 1% से भी ज्यादा वोटिंग राइट्स दिए हैं और हमको उनको कुछ स्पेशल टाइप के प्रिविलेजेस देंगे और हमको इंटीमेट करेंगे हर चीज, तब ऐसा रिजोल्यूशन लगता है जिसमें स्पेशल नोटिस रहेगा, तो उनको एक अलग से एक स्पेशल इनविटेशन जाएगा। क्लियर हुआ? यस मैम। और पूछो। देखो कोरम में मैंने बताया था कि कम से कम जो मीटिंग है बोर्ड की, उसमें 2 डायरेक्टर्स बोले थे मैंने आप लोगों को, या अगर याद होगा तो, या फिर टोटल स्ट्रेंथ का 1/3, याद आया? ऐसा कुछ बताया था मैंने आपको, 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, तो दोनों में से जो भी ज्यादा हुआ उस पॉइंट पे वो कहलाता है कोरम, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इतने हमको चाहिए। जो कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स होते हैं, कंटिन्यूइंग समझते हैं आप लोग,
कंटिन्यूइंग डायरेक्टर बताओ. मैम